بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की पुट्टी से। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिए, जिसने सिखाया इंसान को जो कुछ वो नहीं जानता था। बेशक इंसान सरकशी करता है जबकि अपने तईं गनी समझता है। कुछ शक नहीं, हमें अपने परवरदिगार की तरफ ही लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं तेरी ऐ
चेदा किस मोह से बया किस मोह से Assalamu alaikum. Please join me in welcoming our esteemed Director General, Professor Dr. Muhammad Mudassir Ghafoor, whose visionary leadership has steered our campus to remarkable heights, fostering academic excellence and innovation. Professor Dr. Muhammad Mudassir Ghafoor. इल्म में है कि पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस का आगाज 2005 में हुआ। यहाँ मैं इस कैंपस के आगाज का क्रेडिट उस वक्त के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल अरशद महमूद साहब को देना चाहता हूँ, उनके साथ ही जिस शख्स ने इसको मजबूत फुटिंग्स पे उस्तवार किया वो किसी तारफ के मोहताज नहीं। यहाँ मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली साहब हैं। और बेटा वो यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हैं, जितने फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनके टेन्योर में मैक्सिमम असातिज़ा परमानेंट हुए और कसीर तादाद में असातिज़ा को पीएटी स्कॉलरशिप्स मिले। उसके बाद जब पंजाब यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर को मिली तो उससे थोड़ी अरसा पहले यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सुलमान रजावी अपॉइंट हुए। उन्होंने इस कैंपस में काफी हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की। उन्होंने डबल सेक्शन यहाँ पे बेटा मुतारफ कराए, नए शोबाजात इंट्रोड्यूस कराए। उसके बाद यहाँ पे मेरे बेहतरीन दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी,
साहब को जिम्मेदारी अता की गई। उन्होंने इस कैंपस की रेनोवेशन करवाने के साथ साथ अर रहमान मस्जिद की बुनियाद रखी और मुख्तसर वक्त में इस कैंपस की इस्तेदाद काल में इजाफे का बाइस बने। इसके बाद 15 मई 2023 को इस कैंपस की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मेरे टेन्योर में अर रहमान मस्जिद को कंप्लीट किया गया। इसके साथ ही हमने प्लान किया कि इस कैंपस में तकरीबन 20 के करीब कमोबेश पीएचडी असातिज़ा मौजूद हैं, जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर चुके हैं। खुदा की कसम, ये असातिज़ा जो ओहदों के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ओहदे इनके मोहताज हैं। इन मुहतरम असातिज़ा इकराम को मैं 2005 से जानता हूं। इन असातिज़ा की काबिलियत और एक्सपर्टी बॉडीज में हैं, जिनमें बोर्ड ऑफ स्टडी, बोर्ड ऑफ फैकल्टी, एकेडमिक काउंसिल शामिल हैं। इनसे मंजूरी लेने के बाद हम एचईसी से एनओसी हासिल करके होपफुली इंशाल्लाह ताला अगले साल बाकायदा तौर पे पीएचडी इन कॉमर्स और पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का इस कैंपस में आगाज करने जा रहे हैं। इसके अलावा ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, हमने गूगल फॉर्म के जरिए गुजरांवाला डिवीजन के तुलबा और तालबात से इंटरनेट बेस सर्वे भी करवा रखा है, ताकि इन लोगों की नीड असेसमेंट की बुनियाद पे हम लोग वाइस चांसलर साहब से अप्रूवल लेने के बाद कुछ नए प्रोग्राम यहाँ पे शुरू कर सके, ताकि इस कैंपस की जो बैक साइड है उस पे 2 मंजिला ब्लॉक तामीर किया जाए और इन प्रोग्राम का वहां बाकायदा आगाज किया जाए और गुजरांवाला डिवीजन के लोगों को तालीम उनकी नीड बेस डोर स्टेप के ऊपर मुहैया की जा सके। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि तमाम डिपार्टमेंट के इंचार्जेस अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपनी काबिलियत से ज्यादा मेहनत से चला रहे हैं। एज अ डायरेक्टर जनरल, मैं इनकी डिपार्टमेंटल वर्किंग से मुकम्मल तौर पर मुतमिन हूँ। इसके साथ साथ ये बात काबिले जिक्र है कि जो आपने सर यहाँ पे सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर और इंटरनल हमने एग्जाम कोऑर्डिनेटर और जो असातिज़ा क्राम और अदर एम्प्लाइज हैं, ये सारे लोग भी दिन रात इस कैंपस की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर, पिछले 7 मंथ में जो टेन्योर मुझे यहाँ पे मिला है, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में कुछ अहम एक्टिविटीज करवाई गई हैं, ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, ताकि वो नई चीजें सीख सकें, अपनी सलाहितों में मजीद निखार ला सकें। वो कुछ पॉइंट्स काबिले जिक्र यहाँ मैं बयान करने जा रहा हूँ। ऑनरेबल वाइस चांसलर, यहाँ पे रिसर्च सोसाइटी का क्याम अमल में लाया जा चुका है, जो एमफिल इन कॉमर्स, एमफिल इन बिजनेस, एमकॉम 1.5, एमबीए 1.5 के तुलबा और तालबात हैं, आपके नॉलेज में हैं, आप दुनिया के बेहतरीन मुहक्किक हैं। और ये स्टूडेंट्स जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग इशू की हुई है दुनिया के 2% मुहक्किक, उनमें हमारे वाइस चांसलर साहब का नाम भी शामिल है। तो सर बहुत जल्दी इस चीज को पिक कर लेंगे। सर हमने रिसेंटली मुख्तलिफ सेमिनार करवाए हैं एमफिल के स्टूडेंट्स के लिए, फ्रॉम डेटा टू डिसीजन। इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि जो मार्केट में प्राइमरी डेटा पे काम करने वाले लोग हैं और जो सेकेंडरी डेटा पे काम करने वाले लोग हैं, उनको बुलाया जाए एमफिल के तुलबा और तालबात को रिसर्च में डेटा से लेके डिसीजन तक। बेटा ये चैप्टराइजेशन होती है थीसिस में, जहां पे इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, मेथडोलॉजी है, डेटा कलेक्शन है, डेटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, कंक्लूजन है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है, बिब्लियोग्राफी है, अपेंडिक्स हैं। ये सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा एमफिल का बच्चा थीसिस स्टेज पे जाए, उससे पहले उसको इल्म होना चाहिए, ताकि जो बच्चे थीसिस स्टेज पे लिंगर ऑन हो जाते हैं, 6 माह का काम, साल का काम, 2 साल में चला जाता है, वो बिल्कुल इन टाइम ही हो, ताकि नेक्स्ट बैचेस का एडमिशन किया जा सके। इसके अलावा ऑनरेबल सर, आईटी डिपार्टमेंट में हम लोगों ने मोस्ट रिसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सिंपोजियम का इनेकाद किया है, जिसमें पाकिस्तान के बेहतरीन सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया हुआ था, और जो स्टूडेंट सीरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, उनकी उनके साथ सिटिंग कराई गई थी।
और लाहौल पे यूसीआईटी के सीनियर प्रोफेसर आपके नालक में है, उनको भी हमने बुलाया हुआ था यहाँ पे। और इसके अलावा बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए रिसेंटली आईटी डिपार्टमेंट ने एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग कंपटीशन का इनकार किया, ताकि जो बच्चे थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके उन्हें पता चले कि अंडर द स्ट्रेस हाउ यू हैव टू डील द सिचुएशन। दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट। उन बच्चों ने विद इन 2 आवर जो उनको टास्क दिया गया था वो कंप्लीट करके बेहतरीन उन स्टूडेंट्स मुख्तलिफ प्राइज के भी हकदार ठहरे। इसके अलावा ऑनरेबल सर, काफी लिस्ट लंबी है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ उनके नेम में ले देता हूँ। रिसेंटली हमारे फीमेल तुलबा और तालबात के लिए यहाँ पे मोर देन 60% बेटियां हमारी पढ़ रही हैं, उनके लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड मैडम आदला हुसैन साहबा ने इन बच्चों के लिए पिंक रिबन डे के हवाले से बेहतरीन एक सेमिनार का इनकाद किया। आप लोग जो लोकल गुजरांवाला डिवीजन के हैं वो जानते हैं कि जो जीनम की हेड है वहां पे डॉक्टर साहबा, उनको बुला के बच्चियों को अवेयरनेस हमने दी, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में तो स्टार्ट में ही उसको हम लोग सेटल कर सके। इसके अलावा इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंग्लिश लिटरेचर फेस्टिवल का इनकार किया गया, स्टूडेंट्स डिसेबल के लिए काम किया गया। इसके अलावा ऑनरेबल सर, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के जेर एहतमाम जिसकी क्यादत हमारे HOD हाफिज इमरान अकरम साहब कर रहे हैं, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत हमारे 4 तुलबा को एज एम्बेसडर सेलेक्ट किया है 22,000 पर मंथ के हिसाब से, और ये 6 मंथ की एक्टिविटीज है। इसके अलावा मिजान बैंक में हमारे 16 तुलबा तालबात, अस्करी बैंक में 6 तुलबा तालबात वॉक-इन इंटरव्यू उनका पिछले 2-3 माह पहले हमने अरेंज किया, यहाँ पे उनकी जॉब इन दोनों बैंकों में हो चुकी है। इसके अलावा ऑनरेबल वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस का इनक्यूबेशन सेंटर बेहतरीन काम कर रहा है, PUGC के तुलबा तालबात और दूसरे अदारों के तुलबा तालबात नए नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं, नौजवानों की हौसला अफजाई और रहनमाई के लिए यहाँ एक्टिविटीज अब मामूल का हिस्सा है। इनक्यूबेशन सेंटर के अलावा जो ई रोजगार प्रोग्राम है, विश साहब आपके नॉलेज में है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हैंडओवर हो चुका है और वो बेहतरीन सेल्फ सफिशिएंट मॉडल पे चल रहा है और रीजनेबल अदारे के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। ऑनरेबल वाइस चांसलर, इस वक्त में बिजनेस एडमिन, कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस में बैचलर और MPhil प्रोग्राम में खुद टीच कर रहा हूँ। इस तरह जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझ पे इन्वेस्टमेंट की है, अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में आई डिड माई PhD फ्रॉम वर्ल्ड टॉप 200 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी। उस यूनिवर्सिटी से PhD मुकम्मल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने हम पे इन्वेस्ट किया है इस इंस्टीट्यूट को पे बैक कर सके। इस तरह ऑनरेबल वाइस चांसलर, मैं MPhil और PhD को भी सुपरवाइज कर रहा हूँ, ताकि अपना एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर किया जा सके। सर, इस वक्त यहाँ 37 असातिज़ा और तकरीबन 100 एम्प्लाइज हैं, ये कुल तादाद 137 है। सर, आपसे दरख्वास्त है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरज पे हॉस्पिटल जो गुजरांवाला से हों उनको PU के पैनल पे लिया जाए, ताकि हमारे एम्प्लाइज और असातिज़ा की मुकम्मल मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त करवाई जा सके। ये मसला पिछले 18 साल से इल्तवा का शिकार है और सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़ाती दिलचस्पी लेके इसको अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए अवलीन फुर्सत में हल करेंगे। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, यहाँ पर जो असातिज़ा एम्प्लाइज मौजूद हैं, ये 2005 से इस कैंपस में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। इनमें से कुछ असातिज़ा मुझसे भी सीनियर हैं और कुछ एज में और कुछ एक्सपीरियंस में। इन लोगों में मैक्सिमम असातिज़ा आज भी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनको मुवाफिक माहौल मयसर नहीं आ सका, जिसकी वजह से इनकी प्रमोशन स्टैगनेंट स्टक है। सर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो एम्प्लाइज और असातिज़ा अगले ओहदों के लिए मौजू हैं, उन्हें अवलीन फुर्सत में प्रमोट किया जाए। सर, आपको मालूम है कि हमारे जो पॉलिटिकल में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो विद इन ऑर्गेनाइजेशंस जो पॉलिटिकल जमाते हैं, मैं उनका जिक्र करना चाह रहा हूँ। सर, उनके अपने एजेंडाज होते हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद देम। हमारी फोकस सिर्फ ऑनरेबल वाइस चांसलर आप हैं, क्योंकि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के हेड हैं।
और इस यूनिवर्सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। हमने आपसे ही दरखास्त करनी है और सिर्फ आपसे ही दरखास्त करनी है। और इसके अलावा हम आपके परमानेंट वाइस चांसलर के टेन्योर के लिए भी नेक ख्वाहिशात रखते हैं। यहाँ पे एंड पे डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ जो पास आउट बच्चे हो रहे हैं। बेटा, आपको मालूम है कि हम लोग ज्यादा लाइफ में आईक्यू पे फोकस करते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन पे। इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसके साथ इमोशनल क्वेश्चन, फिजिकल क्वेश्चन, एटीट्यूड क्वेश्चन पे ध्यान ना दिया जाए तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन की भी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हैं लेकिन आपका एटीट्यूड जीरो है, तो आपका 1000 आउट ऑफ 1000 एटीट्यूड में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में आता है, लेकिन एटीट्यूड जीरो है, 1000 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब बेटा जीरो ही होगा। तो कोशिश करें कि जो चीजें हमने आप में इनकलकेट की हैं उनको लेके ऑर्गेनाइजेशन में जाएं और बेहतरीन पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला के एम्बेसडर के तौर पे अपने आप को पेश करें, अपने अंदर एक बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलप करें। और इस वक्त जो दौर चल रहा है, ये डिग्रियों के साथ साथ नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज का भी दौर है। मैं एंड पे तमाम आने वाले गेस्ट जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप तो अभी स्टूडेंट्स हैं, आपको इल्म नहीं है, ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉप मैनेजमेंट है जो कि वाइस चांसलर साहब के अंडर काम करते हैं, फिर उसके नीचे हमारे डीन होते हैं, फिर रजिस्ट्रार होते हैं, फिर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, फिर गुजरांवाला कैंपस की टर्न आती है। तो जो भी गेस्ट आज तशरीफ लाए हैं उन सब का मैं अगेन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों के लिए, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं एज अ डायरेक्टर जनरल दुआ करता हूं कि एक रोशन मुस्तकबिल आपकी राह देख रहा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब यूनिवर्सिटी पाइंदाबाद। अब उम्मीदवार पेश किए जाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब वाइस चांसलर, मैं बाहसियत दीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज उम्मीदवारों को जो इम्तिहान के बाद एमए इंग्लिश 2017-2019 की सनद के हकदार करार पाए हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें ये सनद अता फरमाई जाए। इन इख्तियारात के रूह से जो मुझे जम्मू पंजाब के वाइस चांसलर की हैसियत से हासिल हैं, मैं आपको मुतल्लिका मज़ामीन की सनद अता करता हूं और तौसीक के लिए ये दस्तावेज पेश करता हूं। नीज इस एबाए फजीलत को पहनने की इजाजत देता हूं जो इस सनद की शनाख्त है। जनाब वाइस चांसलर, मैं बहसियत डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस इन उम्मीदवारों को जो इम्तिहान के बाद BBA ऑनर्स 2015-2019, MBA 1.5 2017-2019 की सनद के हकदार करार दिए गए हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें ये सनद अता फरमाई जाए। उन इख्तियारात के रूह से जो मुझे जामिया पंजाब के वाइस चांसलर की हैसियत से हासिल हैं, मैं आपको मुतल्लिका मज़ामीन की सनद अता करता हूं और तौसीक के लिए ये दस्तावेज पेश करता हूं। नीज इस एबाए फजीलत को पहनने की इजाजत देता हूं जो इस सनद की शनाख्त है।
शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाइस चांसलर, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की जानिब से इन उम्मीदवारों को जो इम्तिहान के बाद बीकॉम ऑनर्स 2015-2019, एमकॉम 3.5 इयर्स 2015-2019, एमकॉम 1.5 इयर्स 2017-2019 की सनद के हकदार करार दिए गए हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें ये सनद अता फरमाई जाए। उन इख्तियारात की रूह से जो मुझे जामिया पंजाब के वाइस चांसलर की हैसियत से हासिल हैं, मैं आपको मुतलका मजामीन के सनद अता करता हूं और तौसीक के लिए ये दस्तावेज पेश करता हूं। नीज इस एबाए फजीलत को पहनने की इजाजत देता हूं जो इस सनद की शनाख्त है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाइस चांसलर, मैं बहैसियत डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन उम्मीदवारों को जो इम्तिहान के बाद बीएस ऑनर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2015-2019, एमएससी आईटी 2017-2019 की सनद के हकदार करार दिए गए हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि नई सनद अता फरमाई जाए। उन इख्तियारात की रूह से जो मुझे जामिया पंजाब के वाइस चांसलर की हैसियत से हासिल हैं, मैं आपको मुतलका मजामीन की सनद अता करता हूँ और तौसीक के लिए ये दस्तावेज पेश करता हूँ। नीज इस अबाए फजीलत को पहनने की इजाजत देता हूँ जो इस सनद की शनाख्त है। जनाबे वाइस चांसलर, मैं बहैसियत डीन फैकल्टी ऑफ लॉ इन उम्मीदवारों को जो इम्तिहान के बाद LLB 3 ईयर 2016-2019 की सनद के हकदार करार दिए गए हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और दरखास्त करता हूं कि इन्हें यह सनद अता फरमाई जाए। उन इख्तियारात की रूह से जो मुझे जामिया पंजाब के वाइस चांसलर की हैसियत से हासिल हैं, मैं आपको मुतलका मजामीन की सनद पेश करता हूँ और तौसीक के लिए ये दस्तावेज पेश करता हूँ। नीज इस अबाए फजीलत को पहनने की इजाजत देता हूँ जो इस सनद की शनाख्त है। I request the registrar PU Dr. Ahmed Islam to announce names of campus position holders. Simultaneously, the worthy Vice Chancellor Professor Dr. Khalid Mahmood and respected Director General Professor Dr. Muhammad Mudassir Ghafoor are requested to distribute campus medal among the campus position holders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑनरेबल डीन्स एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस प्रेस्टिजियस इवेंट एंड आई हैव बीन आस्क्ड टू अनाउंस द पोजीशन होल्डर्स फॉर एमए इंग्लिश सेशन 2017-19 रमशा हुसैन। MBA 1.5 year session 2017-19 Iqra. BBA honors Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I introduce our very own Vice Chancellor,
Professor Dr. Khalid Mahmood, a beacon of wisdom and commitment. He has played a pivotal role in shaping the academic landscape of our university, embodying excellence and dedication throughout his tenure. So, Professor Dr. Khalid Mahmood. Bismillahirrahmanirrahim. मेरा कुछ गला खराब है, उसकी मैं शुरू में माजरत कर लेता हूँ आपसे, तो कोशिश करता हूँ कि कुछ बातें आपके साथ शेयर हो जाएं। आज का जो दिन है ये मुबारकबाद का दिन है। सबसे पहले हमारे इन बेटे बेटियों के लिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत की और अपने मेरिट पे और अपनी मेहनत पे ये डिग्री इन्होंने अर्न की, तो सबसे पहले तो बेटे आपको मुबारक। उसके बाद दूसरी मुबारकबाद, मैं खास तौर पर इनसे पूछ रहा था कि बच्चों के वालदैन को बुलाया है, तो उन्होंने मुझे कहा जी हमने कुछ सिलेक्टेड बच्चों के वालदैन को सिर्फ बुला पाए हैं अपने इस इंतजाम या जगह को देखते हुए, तो मुझे खुशी है कि कुछ वालदैन यहां तशरीफ रखते हैं। ये मुबारकबाद उन वालदैन के लिए भी है कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने मोमिनीन को कुरान में ये सिखाया है कि इनके लिए दुआ किया करें कि ऐ अल्लाह इन पर ऐसे रहम कर कि जैसे इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया और बचपन में मुझे पाला। उसके बाद तीसरी मुबारकबाद मुअज्जज़ असाज़ा किराम के लिए है कि जिनके बारे में अहदीस नबी में यह दावा किया गया, ये हमें सिखाया गया कि उनका दर्जा भी वालदैन से किसी तौर भी कम नहीं है, बल्कि बाज़ का तो ऐसे भी कहा गया कि अगर आपको किसी ने एक कलमा या एक हदीस या कुछ अल्फाज भी सिखा दिए हैं तो तुम सारी उम्र के लिए उसके गुलाम बन गए। तो आप सबको मुबारकबाद के साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इस मुल्क में एक बहुत बड़ा नाम है, ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में शुमार होता है, इसका सबसे कदीम यूनिवर्सिटी तो ये है ही, और इसकी सबसे बड़ी वजह कि दुनिया भर में ये जानी जाती है अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से, अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च से, और जो एजुकेशन और रिसर्च इस खित्ते अर्जी में ये ऑफर कर रही है उससे इसका नाम बहुत बड़ा है। मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया हूं तो मैंने ये देखा है कि परफेक्शनिज्म शायद कहीं भी नहीं है, बहुत सारे मसाइल होते हैं मुल्कों के। अमेरिका तो मैं कई साल पहले गया था, अभी तीन दिन पहले मैं चाइना से लौटा हूं, ये दोनों ममालिक जो हैं वो डेवलपमेंट में दुनिया में शुमार होते हैं नंबर वन एंड टू, तो मैंने ये देखा है कि बहुत आइडियलिज्म कहीं भी नहीं है। जो वसाइल इस वक्त दस्तियाब होते हैं उन्हीं के अंदर रह के कौमें आगे बढ़ रही होती हैं, बस देखना ये होता है कि उनकी सिमत दुरुस्त है कि नहीं, वो आगे बढ़ रही हैं कि नहीं। तो यहां पे जब ये फैसला किया कि गुजरांवाला की सरजमीन पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा, तो उस वक्त से लेके अब तक जितने भी डीजी रहे या आपके असाज़ा या गैर तदरीसी अमला रहा, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने भरपूर कोशिश की कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, उसको यहां भी कायम रखा जाए और गुजरांवाला के बासी जो हैं उनके लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाए। तो इन सब की खिदमात को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। इसके साथ साथ आप लोग जो ग्रेजुएट हुए इस यूनिवर्सिटी से, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका और हमारा जो ताल्लुक है वो कम नहीं होना चाहिए।
यानी जब हम पढ़ा चुके होते हैं, डिग्री दे चुके होते हैं, तो फिर ही तो सही मानों में आप लोग हमारा यानी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का असासा बनते हैं। ये जो अंडर ग्रेड एजुकेशन है खास तौर पे, ये तो है ही एक एंट्री पॉइंट कि आप 4 साल यहां पढ़ के बीएस की डिग्री लेके तो आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारों ने अपने अपने प्रोफेशन को पहले से ज्वाइन कर लिया होगा। तो इस वक्त आपके सामने इल्म की और तजर्बे की पूरी दुनिया आपके सामने खुली हुई है। मैं ये चाहूंगा कि आपके पास जो इल्म और तजर्बा आ रहा है, आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स को भी याद रखें, उनके साथ भी शेयर करें। हम इसका एक पूरा सिस्टम बनाने जा रहे हैं। एलुमनाई एसोसिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी की हमने एक ऑफिस कायम किया है इसका, कि जो एलुमनाई के साथ राब्ता करेगा। मैं आपके डीजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उसका लिंक जो है वो आप बच्चों के साथ शेयर करें, वहां पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना नाम पता और बाकी जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन है, कि ताकि हमारे जो एलुमनाई के प्रोग्राम्स हैं उससे आपकी वाकफियत होती रहे और आपका जो इल्म तजर्बा और इसके साथ साथ और जो कुछ आप दे सकें। देखें, इस यूनिवर्सिटी ने, ये पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी आप सारे जानते, और यूनिवर्सिटी ने खर्च करके और मामूली सी फीस के ऊपर आपको ये तालीम दी है। तो इसको आप इन अदर वर्ड्स ये समझ लीजिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट है कि जो पब्लिक सेक्टर के इदारे ने आपके ऊपर की है, बड़ी मामूली फीस के इवज। तो ये इन्वेस्टमेंट लौटाने का अब मौका है। आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स को भी याद रखें, आप इस कैंपस या यूनिवर्सिटी के जो दूसरे कैंपस हैं उनके अंदर होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे भी आप वाकिफ रहें, और जहां जहां आप अपना हिस्सा डाल सकें वो आप जरूर डालें। आप सबको इस बात का इल्म है कि हमारे इस कैंपस के एक एलुमनस ने इतनी बड़ी माशाल्लाह बड़ी शानदार किस्म की मस्जिद की इमारत यहां खड़ी कर दी है। इस कैंपस की और भी बहुत सारी जरूरियात हो सकती हैं आइंदा, आपके जूनियर स्टूडेंट्स की फीस का कहीं मसला हो सकता है, कहीं उसको किसी और तरह की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे इस कैंपस के ग्रेजुएट इस माशरे के अंदर फैल रहे हैं, वैसे वैसे हमारा एक सोशल कैपिटल जिसे कहते हैं वो बड़ा होता चला जा रहा है। तो अपने आप को आप पीयू के सोशल कैपिटल का हिस्सा समझें। हमारे इस कैंपस के साथ और यूनिवर्सिटी की बाकी एक्टिविटीज के साथ अपने आप को जोड़े रखें। और सबसे आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि जब से आप इस यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं, आप इस यूनिवर्सिटी के सफीर हैं। आपका हर हर अमल, आपका हर हर इल्म, आपकी हर हर एक्टिविटी, आप जो भी करेंगे, किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, किसी अपने इवन अपने घर वालों से जो आपका बातचीत करने का अंदाज है, वहां से ये नजर आना चाहिए कि आप एक अच्छे इदारे से फारिग़ तहसील। अब इस यूनिवर्सिटी की जो इज्जत है वो इसके ग्रेजुएट्स के हाथ में होती है, और वो ग्रेजुएट्स ही होते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को भी या उसके रिप्यूट को भी बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये डिग्री हासिल करने के बाद आयद हुई है कि आपने इस यूनिवर्सिटी की इज्जत को बढ़ाने का काम करना है। मेरी आजकल बड़े बड़े सीनियर एलुमनाई से मुलाकात होती है, बड़े फखर के साथ वो जिक्र करते हैं। मेरी कल कुछ ऐसे एलुमनाई से मुलाकात हुई जो खुद मेरे पैदा होने से पहले से डिग्री लेकर यहां से जा चुके थे। तो माशाल्लाह अपने अपने फील्ड में अपना लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन इस बात को साथ याद रखते हैं कि हम किस इदारे के ग्रेजुएट हैं। तो यूनिवर्सिटी आपके दम से है इंशाल्लाह, और हम आपके लिए भी जो कर सके, आपकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन की नीड्स हो सकती हैं उसके लिए हमने शॉर्ट कोर्सेज का यहाँ पे एहतमाम किया है। ये जो ई रोजगार की बात कर रहे थे, इसके अलावा और भी सूरतें हैं कि आपकी तालीम और तरबियत का हम बंदोबस्त करते रहें।
और आप इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। आप सबके यहाँ पे आमद का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम मैडम नौशीन और चैम्बर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं चैम्बर कॉमर्स के, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर वीसी साहब, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज जॉइन अस हियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिग्रीज अमंग द ग्रेजुएट्स। सर थैंक यू। जी मुमताज सर, the very first is MA English session 2017-2019 Mehak Afzal Bhutter, Mehak Afzal Bhutter, Sadab Zahra, Hafsa Bibi, Maria Adris, Aisha, Ishad Fatima, Nimra Arshad, Arfa Yaqub, Amara Yusuf, Sibga Hamid, आपकी तालियों की गूंज कुछ इतना मजा नहीं दे रही। यस दिस इज द वे। अनम ताहिर, महबारा असर, मदीहा आशिक, इरम, उस्मा गफूर, अबिया अब्बास, अर्शिया आजम, फाखरा रियासत, मरीना, कायनात सरवर, सीरतुल अरूज, हाफिसा मुदस्सर नवाज, सहर वकार, हिना अमरीन, अमजद, मरियम मसूद, महापारा असर, मदिया आशिक, उमर सलीम, खलीकुज़्ज़मा, इशरत फातिमा, निम्रा अरशद, आरफा याकूब, अमारा यूसुफ,
अनम ताहिर, मारिया अद्रीस, एंड सदफ जहरा. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम. थैंक यू. I request Dr. Waseem Ur-Rahman to come forward and call the names of the graduates of Department of Business Administration. Dr. Waseem Ur-Rahman. BBA Honor, Session 2015-2019. Fatima Sarfaraz, Ansa, Imra Saleem, Rabia, Isha, Hira Mir, Rukhsar, Samavia Afzal, Aisha Seher, हमना शेख, अफरा, अक्सर रियास, बेटा प्लीज अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स. रिदा नसरीन, राबिया तारिक, हिरा वकार, मायरा लोन, एमन रियास, सबा अकबर, किरण शहजादी, नायाब राउफ, अरहम, अक्सा, इकरा रशीद, फरा जावेद, निमरा सदीक, फरा जावेद, निमरा सदीक, अरीबा नदीम, किरण शहजादी,
आज फातिमा खान, फातिमा वहीद डार, सानिया जमान मिर्जा, अक्सा, अनुषा अनीस, आयशा मुबशर, तुबा, मिशा, अदीला नवीद, महरीन इस्लाम, तहरीम फातिमा, असमर अमजद, माहम अकरम, मिशन अशफाक, सनूबर आमर, जिले हुमा, किरण शहजादी, कायनात, सानिया, किरण तजम्मल, फाइजा, जारा इफ्तखार, शीजा रियाज, महमून महमूना, अरूज फातिमा, अरूज फातिमा, मोहम्मद रोहेल अरशद, हाफिज शहजेब हुसैन, अली हमजा, वलीद अहमद, मोहम्मद अजीम, साद खान, मोहम्मद अदनान ताहिर, लुकमान शफीक, उसामा, जिक्र इलाही, मलिक मोहम्मद फरहान, हमजा नईम, एहतशाम सुहेल, मियां हमजा यकूब, मोहम्मद अहमद डार, साउथ नसीम, मोहम्मद कासिम जाफर, मुजम्मल इजाज, जरियाब मलिक, अबू बकर, बेटा प्लीज क्लैप फॉर दो स्टूडेंट्स, दे डिजर्व फॉर दिस क्लैपिंग, प्लीज अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स, एहसन महमूद, अरसलान सलीम, अरसलान तैयब, नुमान अहमद, समर रजा चौधरी,
हमजा सईद, जैद आसिफ, मोहम्मद असद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नबील, जुनैद महमूद, अहसन शहजाद, हसनैन, तनवीर असलम, सलमान अली शाहिद, प्लीज अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स। अब्दुल मतीन, एंड तलहा भट्ट, एमबीए 1.5 इयर्स, सेशन 2017-19, उर्वा जैनब, हिना नईम, महाकलीम, शीजा ताहिर, आयशा फारूक, सलीहा जावेद, महनूर, सिमाब सज्जाद, सामिया रियाज, महामुनवर, महक सज्जाद, महक सज्जाद, बेटा प्लीज अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स। एंड सजावल अली फ्रॉम एमबीए 1.5 ईयर, सेशन 2017-19. डॉक्टर मोहम्मद सदीक मलिक इज रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टू द रोस्ट्रम टू कॉल द नेम्स ऑफ द ग्रेजुएट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। MCOM honors, session 2017-19, Afsha Hanif, Maria Batul, Kinza, Mubashira Yunus, Kinza Shahzadi, please join your hand for the appreciation of these candidates. हमारे पास स्टेज पर हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल डॉक्टर लियाकत अली साहब ने ज्वाइन किया है, एक बार फुल क्लैप की। अब्दुल मनान, हसन मुज्तबा, जाहिद हुसैन, अबू बकर, उस्मान गनी,
मोहम्मद मुजम्मिल, शफकत आलम, मोहसिन आबिद, आसिम अली, एमकॉम 3.5 इयर्स सेशन 2015-19, बुशरा परवीन, अंसा अहमद, अनम भट्ट, मरियम याकूब, हाफिजा सना, मोमना खालिद, रुबाब नवाज, जारफी शाम, आयशा, राबिया रजाक, प्लीज साइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ द कैंडिडेट्स। साइका रमजान, भतीजा तुलकुबरा, सोनिया आशिक, शहला, कमाल इकबाल, हादिया इरफान, आफिया रियाज, कशफ जारा, सदफ सरदार, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स। उम्मे हबीबा, कोमल, सोनिया अकरम, सानिया मुनव्वर, राबिया सरफराज, फजल सादिक, निमरा जीशान, हमना, सलवा रफी, फरा मुश्ताक, शमसा अख्तर, मैमूना मकसूद, मोमना शफीक, बख्तावर बेटी के वालिद तशरीफ लाए जी, बख्तावर सऊदी अरब में है। डिजाइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन।
मोमना शफीक, फिजा हसन, सायरा परवीन, बख्तावर, सना आशिक, मरियम फयाज, मरियम बाबर, मानूर हमायो, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स, मरियम फारूक, कोमल शहजादी, सना इरशाद, हिरा जफर, आयशा, बुरहान नईम, असगर रजा, रहमान अली, जिशान अली, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स, जिशान नवाज, निसार अहमद, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद नोमान अब्बास, अब्दुल करीम, मोहम्मद आमिर, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब्दुल करीम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उमर रजा, नोमान, निसार अहमद, बीकॉम ऑनर्स सेशन 2015-19, मारिया, समिया मकसूद, अनम फयाज, जोबिया परवीन, इकरा एहसान, परहीन शब्बीर, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स, आयशा एहसान, अक्सा रियाज, मारूफ, किन्जा अशरफ, मारिया अफजल, अम्मारा सफदर, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स,
मरियम रियाज, रूबा इफ्तिखार, कायनात, तुबा अली, महनूर, बीकॉम ऑनर्स सेशन 2015-19, मिम्बरा इजाज, जुनैरा तारिक, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स, फातिमा यूसुफ, सोनिया, इकरा, नादिया मुबशर, आयशा मुनीर, मानूर खालिद, अमीना जाहिद, हादिया साबिर, हिना खालिद, राबिया फयाज, अक्सा असगर, सबा मुमताज, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मे हबीबा, फातिमा अब्दुल रशीद, हादिया, सलमान रफी, बीकॉम ऑनर्स सेशन 2015-19, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन, मोहम्मद नोरेस, मोहम्मद फहद, मोहम्मद तलहा, सुल्तान सिकंदर, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद उस्मान, शहरोज शकील, हसनैन मकसूद, उसामा बशीर, मोहम्मद रहमान, उस्मान अली, इमरान, हमजा राउफ, हसन असगर, असगर जमशेद, हारून साबिर, अमीर हमजा, मोहम्मद उस्मान बट, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स, मोहम्मद आतिफ, जुबैर अली, मोहम्मद इदरीस,
उमेर अली, सलमान इकबाल, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स बीकॉम ऑनर्स सेशन 2015-19। गुलाम दस्तगीर, मोहम्मद अली, राशिद महमूद, मखदूम अली अहमद, मोहम्मद एहतिशाम चौहान, जैनुल आबिदीन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नईम अकरम, हुसैन अली चीमा, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन। अली हसन, वकास अहमद, अली हसन, इश्तियाक अहमद, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ बी कॉम ऑनर्स सेशन 2015-19। सुबहानअल्लाह, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद उस्मान सलीम, अली हमजा, अली रजा, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अदनान, हसन अरशद, जुहेब अख्तर, जुलकरनैन अली, प्लीज जॉइन योर हैंड फॉर द एप्रिसिएशन बी कॉम ऑनर्स सेशन 2015-19। हुसैन अली चीमा, डॉक्टर नवीद अहमद खान जमत is requested to please come onto the rostrum to call the names of the graduates of Department of Information Technology and the Dean of Information Technology. Please sir, aap bhi hamare sath join kare. Bismillah rahman rahim. MSCIT session 2017-19. मुबीन, हफ्सा मीर, जंबील बटकिया, इफान ट्रक क्लैपी, जोबिया, इकरा तबस्सुम, महक नोरीन, लारेव, सहरिश अलमास, अनम, लाइबा रानी, सबा नवाज, सिद्रा बशीर,
अनम शकील, नाइमा नवाज, अतिया मंशा, जुल्फत तारिक, बेटा कीप ऑन क्लैपिंग, मेक दिस इवेंट मेमोरेबल एंड लाइवली। जुल्फत तारिक, सहरिश फातिमा, नशाबा जावेद, शगुफ्ता सज्जाद, इकरा लियाकत, जैनब असलम, रिमशा नजर, नजवा खालिद, फायजा असलम, खतीजा बशीर, फजीला ताहिर, अनमारिफ, मायरा आबिद, निदा हसन, सीरत, सुमैया अफजल, मुकद्दस फातिमा, बेटा कीप ऑन क्लैपिंग, शाबाश, नबीला गफ्फार, क्या नाम है, निम्रा अक्रम, अरफा, हुस्ना फियाज, बीबी फातिमा, फातिमा तो जोहरा, निदा जिया, कोमल, जैनब फातिमा, बेटा गैर, बुशरा महमूद,
फरीसा आसिफ, साबिया मुनीर, हाफिजा मीना जावेद, नयाब हसन, आमना, जुलेहा, शिबा, अरूज हमीद, अस्मा महमूद, अंबर, जैनब जहूर, बीएसआईटी सेशन 2015-19, बेटा सोनिया कमाल, बेटा कीप ऑन क्लैपिंग। कैंपस आज आपसे पूछ रहा है, अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है, अब लौट के आए हो तो घर कैसा लगा है, तुझे मेरा फ्राक बताएगा क्या था मैं। सोनिया कमाल, रोमेसा कुंबल जाहिर, सिद्रा बशीर, समन सरफराज, मोमना जुबैर, बेटा कीप ऑन क्लैपिंग। अरिशा फातिमा, शाइस्ता मरियम, हफ्सा हनीफ, मिशाल सलेमान, जोहा ताहिर, अफ्सा आबिद, हदीका शाहिद, अमारा रहमतुल्ला, आयशा आमर, कायनात अब्बास, हनफा नसीर, बीला नासिर, फिजा इकबाल, ओके फिजा इकबाल, मिशाल भट्ट, बेटा कीप ऑन क्लैपिंग, इकरा तन्वी, आयजा रियाज, अमना जाहिद, जैनब खली, आमना मुनीर, आकाशा, कायनात हावर, अलीहा, अलीहा सॉरी,
जोहर ताहिर, किरण मुश्ताक, नूरुल हुदा, जिल्ले हुमा, वजी अल हसन, नईम अली, बेटा कीप ऑन क्लैपिंग, उसामा जावेद, उमर हमीद, खिजर मसूद, मियाज इशारुल हक, शाजद फारूक, मोहम्मद हंस भट्ट, मोहम्मद सुफियान, हाफिज ईशान महमूद, उस्मान डार, मोहम्मद खलील, मिर्जा अली हमायूं, अदील अहमद, अली अकबर, मोहम्मद उमैर, सुबान रियाज, अली हैदर, आशर खालिद, मोहम्मद हमजा, जाहिद अब्बास, शेरान अहमद, मुदस्सर अरशद, उस्मान आमिर, सैयद अशाब हुसैन रिजवी, फरजंद अली, तारिक महमूद, मोहम्मद यासीन, उस्मान सईद, मोहम्मद इमरान, एहसान इलाही, बिलाल जाहिर, बेटा कीप ऑन क्लैपिंग, शाबाश, मोहम्मद हसीब, कुबाब नासिर, अब्दुल रहमान, मोहम्मद दानियाल, हमाद अहमद, हाफिज शाहिर उल इस्लाम, एहसान इलाही, मोहम्मद यासीन, हमजा वहीद,
बेटा कीप ऑन क्लैपिंग, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद एहसान मलिक साहब, द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल पीयू गुजरांवाला कैंपस, सर प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम फॉरवर्ड। मिस फरहाना अजीज राना इज रिक्वेस्टेड टू कॉल द नेम्स ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स। जी आपकी तालियों में द लॉयर्स द ग्रेट द लीडर ऑफ फ्यूचर रेशम इमाम, सना परवेज, सुमेरा शहजादी, बुशरा फरहत, जैनब इफ्तखार, मोमना जफर, अली रजा, साद अशरफ, अरसलान अदनान, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, वलीद हाशमी, हसाम जहांगीर, उस्मान इजाज, अबू बकर हाशमी, उमेर शहजाद, सैयद अली हसन, अली शहबाज, नोमान जुल्फकार, फैज रसूल, मोहम्मद उमैर। बहुत शुक्रिया आप सबकी तालियों। जी सर, हमारे एक ग्रेजुएट है विद स्पेशल एबिलिटीज, मोहम्मद अजीम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोहम्मद अजीम। वेल डन अजीम, माशाल्लाह। और
जी सर, सर प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे हियर ऑन द फ्रंट ऑफ द स्टेज टू डिस्ट्रीब्यूट शील्ड्स अमंग द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हेड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स. Professor Dr. Mumtaz Anwar Chaudhary, Dean, Faculty of Business, Economics and Administrative Sciences. तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए. Professor Dr. Shahzad Sarwar, Dean, Faculty of Computing and Information Technology. Dr. Ishfaq Ahmed, Director, PU Jhelum Campus. Our very own Professor Dr. Muhammad Ehsan Malik, former Director General PU Gujranwala Campus. The founder of this campus, Professor Dr. Liaqat Ali, former Director General PU Gujranwala Campus. Sayyed Anoshin Iftikhar, former member, National Assembly. Dr. Amjad Abbas Maksi, Secretary, Academic Staff Association. Mr. Muhammad Akram Chaudhary, former Regional Registrar, PUGC. Dr. Ahmed Islam, Registrar, University of the Punjab. Mr. Tasneem Kamran, Treasurer, University of the Punjab. Mia Khalid Mahmood, Resident Auditor, University of the Punjab. Ms. Adila Hussain, in charge, Department of English Language and Literature. Thank you.
Dr. Wasimur Rahman, in charge, Department of Business Administration, PUGC. Dr. Muhammad Sadiq, in charge, Department of Commerce, PUGC. Hafiz Muhammad Imran Akram, in charge, Department of Banking and Finance, PUGC. Dr. Naveed Ahmed Khan Jhammat, in charge, Department of Information Technology, PUGC. Ms. Farhana Aziz Rana, in charge, Department of Law, PUGC. Dr. Salman Nasir Adil, Chairman, Food and Catering Committee. Dr. Salman, if you are present, I think he is busy. Mr. Amir Suhail, in charge, examinations, PUGC. Dr. Muhammad Sajid Akhtar, Deputy Registrar, PUGC. Mr. Umair Ali, Deputy Treasurer, PUGC. Captain Imran Javed, State Officer, PUGC. Mia Faisal Rashid, State Officer, PU Jhelum and Potohar Campus. Ms. Saima Noreen, Senior Librarian, PUGC. Mr. Ibrar Ahmed Khan, Network Administrator, PUGC. Mr. Shazib Maqsood, Assistant Controller of Examinations, PUGC. Mr. Muhammad Shahbaz Chima, PSU Director General, PUGC. Mr. Safraz Khalid, Deputy Director, Protocol, University of the Punjab. Mr. Fahad Shakur, Member BOD, GEPCO, in recognition of his marvelous efforts for the campus. He is alumni of Business Administration. Mr. Fahad Shakur.
The Director General, Professor Dr. Mohammad Mudassar Ghafoor, will now present the souvenir to our Vice Chancellor, PU, and all HODs must join, and the guests also must join them. The Honorable Vice Chancellor will now present shield to our Director General, Professor Dr. Mohammad Mudassar Ghafoor. अब आपने स्क्रॉल साइन किया जी स्क्रॉल साइन किया सर आपने स्क्रॉल साइन किया रेडी है परेशान नहीं थी जी जनाब वाइस चांसलर साहब की खिदमत में कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त पेश की जाएगी जिसको कामयाबी की तौसीफ के लिए अपने दस्तखत सब फरमाएंगे एंड हियर इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज दैट इज द वैलिडेशन ऑफ योर डिग्रीज ग्रेजुएट्स कम ऑन दिस क्लैपिंग इज फॉर योरसेल्फ हिप हिप जनाब वाइस चांसलर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जलसा अताए असनाद के इख्तिताम का ऐलान फरमाएं मैं जलसा अताए असनाद के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ फॉर केक कटिंग सेरेमनी सर ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम ऑन द फ्रंट ऑफ द स्टेज Thank you.